ईवीएम लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी डकैती है। इसमें जो है कहाँ गया वोट पता ही नहीं लगता है। इस खेल के जो खिलाड़ी लोग हैं उनको दीजिए ईवीएम कैसे, जब नासा वाला सैटेलाइट से आपके हर चप्पे चप्पे पे उसको पता रहता है। तो ईवीएम हैक करना, ईवीएम मैनेज करना, मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन अब तो जो है मामला गड़बड़ है, पूरा डकैती है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये ईवीएम की सरकार है। देश की पूरी डेमोक्रेसी को आरएसएस ने हाईजेक कर लिया है। ये जबरदस्ती की सरकार है और ईवीएम जो है इनकी जान है। ईवीएम में राजा की जान तोते में हुआ करती थी पहले, आज की राजा की जान हमारे इस किसमें ईवीएम में जान है। जिन देशों में ईवीएम मशीनें बनाई उन देशों में यूज क्यों नहीं करी, भारत में क्यों भेजी? इसलिए हमारे देश से खिलवाड़ कर रहे हैं। संविधान को ताक पे रखा जा रहा है, लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है, सामंतवादी व्यवस्था ला दी है। संविधान बचाना है को 24 में भगाना होगा। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। एक बार फिर से ईवीएम को लेके यहां पे लोग एकत्रित हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। यहां पे लोग एकत्रित हुए हैं। यहां पे जो एडवोकेट थे महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह, वो भी यहां पे आए हुए हैं। कल एक मार्च निकाला जा रहा था पटियाला हाउस से इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने के लिए। उन्होंने कहा था बहुत ही शांतिपूर्वक मार्च निकाला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन्हें डिटेन कर लिया गया। और यहाँ पे फिर से एक बार आंदोलन जारी है ईवीएम हटाओ देश बचाओ को लेके। यहाँ पे हमारे साथ गुलाम सरवर जी मौजूद हैं, उन्हीं के पास जाते हैं और उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, ईवीएम हटाओ देश बचाओ फिर से एक बार आंदोलन जारी है? आंदोलन क्या गलत है? क्या आंदोलन नहीं होना चाहिए क्या? देश की जनता को अगर किसी भी चीज़ पर संदेह होगा तो उसको अधिकार है अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का, उसी की ये कड़ी है। अभी आंदोलन का बिगुल फूका जा रहा है, इसको आंदोलन अभी नहीं कहिए, ये तैयारी हो रही है। आंदोलन अगर वाकई होगा, और लगता भी है कि शायद अगर जिस तरह की सुगबुगाहट है तैयारी है, आंदोलन का रूप ले ही लेगा। तमाम बड़ी हस्तियां सामने आ रही हैं, अपनी राय रख रही हैं, लेकिन सरकार को मैं समझता हूं या चुनाव आयोग को इस पर पहले ही गंभीर होना चाहिए। अगर शंकाएं हैं, लोगों को संदेह हो रहा, बार बार बात उठ रही है और कई प्रमाण भी इसके मिले हैं देश में कि दबाया कुछ निकला कुछ इत्यादि इत्यादि, तो लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की है। सरकार को चाहिए गंभीरता से इस पर बात करें, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी चाहिए। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, विशेषकर वो पार्टियां जो चुनाव हार रही है और जो कह भी रही हैं दबे जुबान कि जनता ने तो हमको वोट दिया लेकिन ईवीएम के कारण हार, उनको और ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाने की ज़रूरत है। जनता उन पर जो है नज़र रखे हुए है, उम्मीद उनसे उनको है कि भाई इन लोग आगे आएंगे, वो लोग अगर सब आ जाएं, आवाज़ सब मिलकर उठा लें, मैं समझता हूँ ये शंकाएं खत्म होंगी, चुनाव आयोग इस पर गंभीर हो जाए। सर, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव ना हो के बैलेट पेपर से चुनाव किए जाते हैं तो भाजपा सरकार एक भी वोट नहीं ला पाएगी, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, एक भी वोट ना ला पाएगी ये बात नहीं है, वोट तो आएगी ही आएगी। लेकिन ईवीएम लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी डकैती है। भारत अगर सबसे बड़ी लोकशाही है तो सबसे बड़ी डकैती भी मान लीजिए। एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एटीएम बता देता है कितना बचा हुआ है, बताता है ना। इसमें जो है कहाँ गया वोट पता ही नहीं लगता है। तो हम लोग तो इतने वर्षों से इस सवाल को उठा रहे हैं। देखिए व्यवहारिक बात करेंगे कि कम से कम वीवीपैट की पूरी गिनती हो, और ईवीएम तो हटेगा जबकि पार्लियामेंट में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट हटेगा तब हटेगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को मुद्दा बनाना चाहिए, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार के उम्मीदवार मजबूत है वहाँ पर जो है 50-50 उम्मीदवार खड़े करने चाहिए। जिस तरीके से पटियाला हाउस से एक प्रदर्शन निकाला जा रहा था, उसमें जो एडवोकेट थे महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह, उन्होंने कहा था कि हमें 150 ईवीएम दे दो, हम उसकी जांच करेंगे खुद, तो इस पे आप क्या समझते हैं कि ऐसे जांच होगी? 19 लाख ईवीएम तो गायब है ना, उसका तो मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है, कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए इस पे। तो जाहिर अगर मुझे कहेगा कि आप ईवीएम की जाँच कर लीजिए तो मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, थोड़ी करूँगा। इस खेल के जो खिलाड़ी लोग हैं उनको दीजिए ईवीएम कैसे, जब नासा वाला सैटेलाइट से आपके हर चप्पे चप्पे पे उसको पता रहता है। तो ईवीएम हैक करना, ईवीएम मैनेज करना, मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। मेरा वोट कहाँ गया ये जानने का अधिकार मुझे है। वीवीपैट लाओ, हम देख लें कि मेरा वोट
किस पे गया हुआ देख कर डब्बा में डालेंगे, वीवीपैट की पूरी गिनती हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो भी जिस तरीके से ईवीएम पे सवाल उठा रहा है उसको डिटेन कर लिया जा रहा है, यहाँ पे भी आपको लग नहीं रहा कि डिटेन कर लिया जाएगा, पकड़ लेगी पुलिस? तो उससे क्या होगा, आंदोलन में तो लोग गिरफ्तारी होती रहती है, और अगर सरकार डर रही है, प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, पकड़ रही है, तो इसी से उनके मन में क्या, इसी से पता लग जाता है ना। हम लोग आंदोलन आज से थोड़ी कर रहे हैं, पहले भी करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इतना डरी हुई सरकार तो नहीं थी। अन्ना आंदोलन तो कांग्रेस के ज़माने में भी हुआ, तो उसको तो जगह दिया गया रामलीला ग्राउंड बैठने का, मिनिस्टर्स बात कर रहे थे, सब कर रहे थे, वो भी एक फेज था ना, 10 साल पहले की बात है, ज़्यादा दूर नहीं। लेकिन अब तो जो है मामला गड़बड़ है, पूरा डकैती है। तरीके से बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस की सरकार है वो ईवीएम लेके आई, लेकिन जो उसका पूरा जो उपयोग करा जा रहा है, जिस तरीके से हैक करा जा रहा है, उसका पूरा इस्तेमाल भाजपा सरकार कर रही है। पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, हमारी पार्टी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का पूरा समर्थन है। ये ईवीएम की सरकार है, इसलिए निरकुंस हो रखी है। ये ना किसानों का भला किया, ना पत्रकारों का भला किया, आपका यूट्यूब चैनल भी बंद करने जा रहे हैं। तो देश को की डेमोक्रेसी को, देश की पूरी डेमोक्रेसी को आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है। ये सरकार नागपुर से चलती है, आरएसएस की सरकार है, संघ की सरकार है। इन लोगों का संविधान में कभी विश्वास नहीं रहा, ये बिल्कुल क्लियर कट है। अगर इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचाना है तो इनको 24 में भगाना होगा। ये सारे गुजराती, 29 गुजराती देश के बैंकों को लूट कर चले गए, आपको पता नहीं है? तो मतलब जो मोदी सरकार है वो भी लूटने का काम कर रही है एक तरीके से? बिल्कुल, देश को खोखला कर दिया है। रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर क्यों हटाया था? 175 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक में इसलिए इमरजेंसी के लिए रखे जाते थे कि युद्ध हो जाए या काल पड़ जाए, लेकिन वो पैसे भी निकाल लिए। अभी एक महाराष्ट्र में एक कोऑपरेटिव बैंक खाली हो गया, वो वहाँ आया था खबर, एक लेडी रो रही थी, ना उसके पास खाने को पैसा, ना दवाई का पैसा है, सहारा वाला लेकर डूब गया, वो मर भी गया। कितने करोड़ लेगा था वो? शायद 10,000 करोड़। तो ये चोरों की सरकार है, क्लियर कट, हमें ये कहने में कोई ग्रेज नहीं है। लेकिन अब लग रहा है कि लगातार जैसे गुजराती होने पे सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो गुजराती हैं तो ये पहला बोला था ना मोदी जी ने एक बार भाषण में, नहीं 14 से पहले स्टेज से बोला था, गुजराती पैसा देता नहीं है, पैसा लेता है, ये बोला था, ध्यान करिए आप। तो ये सारे के सारे जो ये संयोग है या प्रयोग है, 29 जो देश छोड़ के गए हैं, देश का धन ले के गए हैं, वो सारे गुजराती ही क्यों हैं? तो मतलब गुजराती होने पे सवाल क्यों उठा रहे हैं आप मोदी सरकार के? चोर है ना वो जो ले के गए देश का धन, हाँ। और कहीं का क्यों नहीं है? हाँ। मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, उसके बाद अत्याचार बढ़ गए दुनिया भर के, क्या इशारा था, क्या कहलाता ये रिश्ता? मैं देश नहीं झुकने दूंगा, नहीं देश बिकने दूंगा, बेच दिया पूरा, अब कोई बचाया है कुछ? चीन को लाल लाल आँख दिखाएंगे, हैं मणि, वो सारा अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा हो गया, 7 महीने से मणिपुर जल रहा है, कौन बचाएगा? एक काम बताओ मुझे, जो 14 से पहले वायदे किए थे वो पूरा किया हो, आ गया काला धन? उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, 22 जनवरी को उद्घाटन कर रहे हैं ना। प्लीज पत्रकार महोदय, यहाँ इस देश में 4 लाख के करीब मंदिर हैं, उसमें एससी एसटी ओबीसी का कोई हिस्सा नहीं है, हमें मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, जिसको मंदिर अच्छा लगे वो बनाए। अगर मोदी जी ने पुजारी ही बनना था एक बार को, सरकार को छोड़ के, जैसे गुफा में बैठे थे चश्मा देख रहे थे कि मेरा फोटो आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिजाइन करके अपना करे पूजा पाठ। ये बतलाइए अनुच्छेद 51 पढ़ा आपने? उसको पढ़िए पहले, क्या बोलेगा, रोज उल्लंघन कर रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो आप, और देश को बतला रहे हो कि संविधान से चल रहा है, संविधान तो ताक पर रखा हुआ है। आज जितना पहले कहते थे कि काला धन लाएंगे,
हमारे देश का जो ओरिजिनल व्हाइट धन है वही विदेशों में भेज दिया। कैसे होगी राजनीति, कौन सा समाज जागेगा? ये जो बहुजन समाज के 131 जो हमारे किससे नहीं रिजर्व सीट नहीं कह सकते, नहीं हिस्सेदारी से, जो हिस्सेदारी है रिप्रेजेंटेशन से बैठे हुए हैं वहाँ पर, रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, वो जिम्मेवार हैं सबसे ज़्यादा, जो अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए आंख बंद करके साइन कर रहे हैं। आज हमारी बहन जो हमारी सबसे बड़ा गरिमा युक्त पद है, माननीय हमारी राष्ट्रपति महोदय, उनके होते हुए उनकी जाति के उनके ही समाज में जा करके अत्याचार हो रहे हैं बहन बेटियों पे, उनको तो देख करके नहीं जा रहे हो, उनको नहीं देखने जा रहे हो। आज बेरोजगार बैठे हैं हमारे जो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रितु बैठी हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जो है बर्खास्त कर दिया जाता है, वो नहीं दिख रहा, जो बच्चों पर हिंदू मुस्लिम करके पिटवाए जाते हैं स्कूलों में हैं, वो नहीं दिख रहा है। मतलब बात करते हो आप संविधान की, देश की, क्या देश चलाओगे आप, क्या चला रहे हो? तमाम ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं, जैसे ईवीएम का ही कह लो, रोजगार कह लो, डॉक्टर रितु बैठी हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार को थोड़ा सा भी फर्क नहीं दिखता है। मेरी बहन पत्रकार महोदया, एक मेन कारण है इसका, सबसे बड़ा रीजन, कि जो हमारा ओबीसी समाज, एससी समाज या एसटी समाज के जो लीडर हैं वो ही इसके गुनहगार हैं, वो इसके जिम्मेवार हैं, वो लोग जाग नहीं रहे। जिस समाज ने आपको जिम्मेवारी दी थी आप उसके ऊपर उल्लंघन में काम कर रहे हो, उसके विपक्ष में जाके काम कर रहे हो, आप आज आप मुंह सील करके बैठे हो, क्या फायदा उस राजनीति का? तीन राज्यों में जो भाजपा की सरकार जीती उसमें से दो राज्यों में उन्होंने एक आदिवासी और एक एससी एसटी ओबीसी में से ही उनको नेता बनाया है। मेरे भाई वो इनका जो कठपुतली होती है ना, जिसे ये देखते हैं उसे बैठाते हैं ले जा करके, वरना फिर क्या करेंगे? ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्या है बतलाइए मुझे? जो एससी समाज है, ओबीसी समाज है, मुस्लिम है, सिख है, सबका ब्लड और डीएनए एक है, क्योंकि वो जाति विचारधारा परिवर्तन हुई है, देश का मूल निवासी है, और उनको आपस में कटुआ करके एक केवल लालच दे करके फिर वही बात आ जाती है जब हमारा अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा किया था इस देश पर, अंग्रेजों ने भी ऐसे ही कब्जा किया था। आज अडानी, अंबानी, गौतम अडानी यही रह गए, इनको अरबों खरबों रुपए का लोन माफ कर दिया जाता है। आज मेरे इन गरीब पर 10,000 भी यदि लोन है, इन पर यदि 50,000 लोन है, इनको जेलों में ठूस देंगे, इनके घर पे कब्जा कर लेंगे, इनके घरों पे बुलडोजर चला देंगे। अभी आप देखिए बीएचयू का केस, एक बहन के ऊपर 3 रेपिस्ट जबरदस्ती वन पॉइंट पे उसका बलात्कार किया, उसको देखने नहीं जाओगे? कहते हो प्राण प्रष्ट करेंगे, दो महीने बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इंसान नहीं दिखाई दे रहा, पत्थर दिखाई दे रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर कब चलाओगे? अभी मोदी योगी मोदी को मारने की धमकी दी मुस्लिम बन करके, और उन्होंने जो है पकड़े गए, हमारी उनको मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ, ऐसे पुलिस कर्मियों को जिन्होंने ऐसा पर्दाफाश किया कि मुस्लिम बन करके और मोदी को और मंदिर को उड़ाने के लिए साजिश रची थी। मैं उन जो पुलिस के बल हैं, जो इस अधिकारी हैं, उनको सम्मानित करना चाहिए। राम मंदिर उड़ाने की बात करते, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने वो गिरफ्तार कर लिया, यानी एक पक्ष को केवल जाम मुद्दा होता है हिंदू मुस्लिम करने का, और आपने उनको आज उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला रहे हो, उनके लिए सम्मान करते हो? जो बिल्किस बानो कांड था उनके रेपिस्ट को छोड़ दिया है, जितने रेपिस्ट हैं आज सारे बीजेपी में ही क्यों हैं शामिल बतलाइए मुझे? जितना भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडा तत्व कर रहे हैं, वही सारे बीजेपी में क्यों हैं? ये जबरदस्ती की सरकार है, और ईवीएम जो है इनकी जान है, ईवीएम में राजा की जान तोते में हुआ करती थी पहले, आज की राजा की जान हमारे इस किसमें ईवीएम में जान है। और ये ईवीएम यदि ये कहते हैं कि हम इतने प्रचलित हैं, हमारा इतना डंका बज रहा है, तो ठीक है आप रोड पे आइए और जो आपका चुनाव चिन्ह है उसे खत्म कीजिए,
और आप निर्दलीय की तरह से अपना चुनाव लड़का देखिए सामने, मैं चुनाव लड़ूंगा। ईवीएम के लिए तमाम ऐसे आंदोलन करते रहते हैं लेकिन उसके बाद भी सरकार एक बार जांच कराने को तैयार नहीं हो रही है। अरे मैडम ये वही है कि ये टुकड़े बांट रहे हैं लालच के, और उस लालच में लोग गुमराह हो रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने राज किया था, यानी अंग्रेजों को भी लाने वाले यही मनुवादी लोग थे और कोई नहीं था। ये अंग्रेज भी आए थे यहाँ तो अंग्रेजों से भी बुरे हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र नहीं तानाशाही सरकार है। तानाशाही हिटलर को पीछे छोड़ दिया है, और अगर 24 में गलती से आ गए तो बहन जी इलेक्शन नहीं होगा 24 के बाद। मेरा साथी गांव में से उठ करके आए, जिन देशों में ईवीएम मशीनें बनाई उन देशों में यूज क्यों नहीं करी, भारत में क्यों भेजी, भारत में क्यों भेजी? तो इसीलिए हमारे देश से खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान को ताक पर रखा जा रहा है, लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है, सामंतवादी व्यवस्था ला दी है, पाषाण काल में हमारे देश को ले जाने के लिए तरतीब बना रहे हैं। हमारी जो देश की जमीन जायदाद थी वो चाइना को दे दी, जो अखंड भारत बनाने की बात करते हैं आज टुकड़ों में बांट दिया हिंदू मुस्लिम कर करके, आज वो हिंदू मुस्लिम का नाम खत्म क्यों नहीं कर रहे? जो रोजगार का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, चिकित्सा का है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है, क्यों नहीं उस पर बात करते? यानी इनके पास में मुद्दे नहीं है, ये मुद्दों से भटक गई है। और मुस्लिम समाज जो पूरा क्रांतिकारी था, क्योंकि वो मजलूमों की हेल्प करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, पसमानदा के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसके ऊपर इसीलिए अंकुश लगा रही हैं। इसीलिए नहीं तो ये जितना एससी एसटी समाज को जितना पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए, वही पृथक निर्वाचन संविधान के अकॉर्डिंग मुस्लिम समाज को दीजिए। जब मुस्लिम समाज संसद में बैठा होगा, एससी एसटी ओबीसी की हिमायत अपने आप हो जाएगी। एक मुस्लिम समाज ही है जो सबके काम आता है और सबकी आवाज़ को बुलंद करता है, वही है कि हमारे बीच में उसके लिए एक कानून के अधिकार के अनुसार जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी यदि नहीं आएगी तो हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमारे संविधान का देखिए, दानिश अली माननीय है, वो तो चुने हुए सांसद थे, उनकी कितनी बेइज्जती की रामवीर भदौड़ी ने, क्या कोई सांसद बोला? वो तो शरीफ थे बेचारे, जो इतनी बात चुपचाप सुन जाते वही जूता निकाल गए, उनके शर्म मारता रामवीर भदौड़ी के। आपका लोकतंत्र हाईजेक हो चुका है, बचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम ऐसे मुद्दे देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ईवीएम को लेकर ही लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे एडवोकेट तक सड़कों पे उतरना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वो तक यहाँ पे आ गए हैं कि ईवीएम में धांधलेबाजी की जा रही है। इस तरीके से अभी इन्होंने एक शख्स ने बताया, जो राजा की जान तोते में होती थी वैसे ही सरकार की जान ईवीएम में, ईवीएम के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं, राम मंदिर लेके आ जाते हैं, वही तमाम चीज़ें ये देखने को मिल जाती हैं, लेकिन सरकार अभी तक चुप है, कुछ जांच नहीं करवा रही है। बाकी आपकी इसमें क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा।